watch the sun go down over the same old town, like so many times before. We look at the same old stars, battle the same old wars, like so many times before. And I know that we're not perfect, but I'm gonna miss all that we had. Yeah, I know that we're not perfect, but I need this night for the last time. Stay, stay. Know you're gone in the morning, but I'll be okay if you stay. Stay. Know you're gone in the morning, but I'll be okay if you stay. If you stay. But all the fun times we had, I'll never forget. We will always share a bond, no matter what, 'cause you have a piece of my heart. And I know that we're not perfect, but I'm gonna miss all that we had. Hello friends, अभी हम लोग एक non-veg tradition होटल में हैं. हमें बहुत भूखे थे तो हम पूरा खाना खाने आए हैं. इसका नाम है किलीकुड रेस्टोरेंट. किलीकुड का मलयालम में मतलब होता है चिड़िया का घोंसला. चिड़िया का घोंसला आपको आगे दिखाते हैं फ्रेंड्स. ये एक प्रकार का फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है और पानी के ऊपर में कुछ ऐसा करके बनाया गया. चलिए देखते हैं हम लोग. आइए हमारे साथ. फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में आपके साथ एक और लंच करते हुए डालिए बहन जी पेप्सी. लीजिए भाई साहब थंकू. आज हम लोग फिर से आए हैं इस ट्रेडिशनल होटल में केरला के, जहाँ पर एकदम टेस्टी नॉन वेज फूड मिलता है. ये है प्रॉन्स करी, छोटा छोटा प्रॉन्स, कितने कितने प्रॉन्स. और ये है फिश करी, बहुत बड़ा फिश है. तो पहले प्रॉन्स टेस्ट करते हैं. मालूम भी है दोस्तों, फिश खाने को पानी क्यों नहीं पीना चाहिए. फिश पेट में जाके तैरती है. टेस्टिंग टाइम. एकदम छोटा छोटा प्रॉन्स है. अच्छा आपको जो ऐसे निकाल दिए, इनको खुद से निकालना पड़ता है कोई कोई होटल में. और फिश करी, तो आप देखिए फिश करी एकदम स्पेशल है. इसका कलर देख रहे हैं आप, वाओ स्पाइसी है एकदम. एकदम स्पाइसी है, इतना बड़ा पीस है, कितना जूसी है. आप देखिए इसको, यहाँ तक खुशबू आ रहा है. इसका करी कितना स्पाइसी हो सकता है आप गेस कर सकते हैं, क्योंकि इतना लाल और इतना खुशबू भी बहुत अच्छे से आ रहा है. अब इसको कैसे शुरू करें हम इतने बड़े पीस को. मेरे तुम में बहुत पानी आ रहा है, देखते हैं ये पीस. एकदम सॉफ्ट, मजा आ गया. तो खाने के बाद तुम जन्नत पहुंच जाते हैं. टेस्टी है.
बहुत टेस्टी है। फ्रेंड्स मेरे को सिर्फ यही मिलता है टॉपिक क्यों बोलते हैं इसको और इसको कप्पा बोलते हैं मलयालम में। तो वेजिटेरियन में और कुछ ऑप्शन होता नहीं है, मैं नॉनवेज होटल में खाती नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी में खाना पड़ता है क्योंकि अभी इधर इस एरिया में कोई भी अच्छी वेजिटेरियन होटल होती नहीं है क्योंकि ये थोड़ा गांव एरिया पड़ता है इस तरफ। तो मैं इसी से काम चलाती हूँ, मैं सूखा सूखा खाओ और इसको बोलते हैं कल अप्पम, अप्पम होता है ये। इसको मेरे को बिना ग्रेवी के बिना करी के खाना पड़ता है सूखा। अब व्लॉगिंग करना है तो सब तो करना ही पड़ेगा ना। तो फ्रेंड्स हम लोग अपना फूड फिनिश कर चुके हैं, ये फूड बहुत अच्छा था। अगर आपको यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली ट्रेडिशनल फूड खाना है केरला का, तो कुट्टनाड और एलएपी जहाँ भी हम लोग हैं वहाँ आइए, यहाँ पर इतना टेस्टी खाना मिलता है, स्पेशली नॉन वेज लवर्स के लिए। हम लोग कल भी खाए थे और आज भी, यहाँ बहुत सारा वैरायटी रहता है। कल तो हम लोग रैबिट खाए थे, क्या आप कभी सोच सकते हो कि रैबिट का भी सब्जी बनता है, हम लोगों को तो नहीं पता था। और अगर आपको इसका दूसरा पहले फर्स्ट वाला लंच देखना है तो पिछले वाले वीडियो में देखें, हाँ हम लोग के चैनल में जाइएगा वहाँ पर आपको मिलेगा, या तो फिर यहाँ ऊपर में आने वाले लिंक पर क्लिक करिए तब भी आप वहाँ जा सकते हैं। Same old stars, battle the same old wars, like so many times before. And I know that we're not perfect.